गुड मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास सिक्स और पास्ट का चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन वन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस क्या है, हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, बोलते जो हंटर गैदरर्स है वो केव्स में रहते थे या रॉक शेल्टर्स में रहते थे, क्यों रहते थे? इसका आंसर है बिकॉज दे गेट शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड, क्योंकि उनको शेल्टर शेल्टर मिलता था किससे, बारिश से, हीट से, एंड बारिश, धूप और हवा से। बी पार्ट है, ग्रास लैंड डेवलप्ड अबाउट अराउंड डैश ईयर्स, ग्रास लैंड कब डेवलप हुए थे? इसका आएगा आंसर 12,000 ईयर्स एगो। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम? ये बोलता है कि वो लोगों को, जो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे, फसल लगाते थे, उनको उसी जगह पर बड़ी देर तक क्यों रहना पड़ता था? इसका आंसर ये है, पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज दे हैव टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स। एक्चुअली उनको उस क्रॉप्स की, जो उन्होंने फसल लगाई थी, उसकी देखभाल करनी थी। द प्लांट्स हैड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जो प्लांट्स हैं उसको बर्ड्स और एनिमल्स से उनको बचाना था, सो दैट दे कुड ग्रो, ताकि वो बड़े, वो फसल बड़े हो पाए, एंड द सीड्स वुड राइपन, और जो उसका बीज है वो पक जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।